पिक्सल ने कल, गूगल ने कल अपना मिड रेंज फोन 3A 3XL दोनों को लॉन्च कर दिया है और बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट के साथ, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट के साथ मैं कहूँगा, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट के साथ उन्होंने उसे लॉन्च किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शशांक सिंह, आप देख रहे हैं टेक वेल्डर और आज इसी की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूंगा आपसे मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले किसी हर एक फोन के प्रोसेसर को जरूर देखता हूँ। तो प्रोसेसर, तो इसमें प्रोसेसर दिया गया है स्नैपड्रैगन 670, आपको 670 प्रोसेसर में दिया गया है और 670 प्रोसेसर दिया गया है। और इस प्रोसेसर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। तो पिक्सल 3A जो लॉन्च किया गया है वो 40,000 के में लॉन्च किया गया है और 3A XL जो है वो 45,000 के साथ लॉन्च किया गया। तो अब मैं इसकी अगर स्पेसिफिकेशन बताऊँ थोड़ा आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको इसमें आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 670 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसकी जो प्राइमरी क्लॉक स्पीड है वो 2.0 है और जो सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है 1.7 गीगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, तो हमने इसके प्रोसेसर के बारे में बात कर ली। प्रोसेसर 10 नैनोमीटर बेस चिप पर है और ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, बहुत अच्छा प्रोसेसर है, बेकार प्रोसेसर नहीं है। लेकिन अगर हम 40,000 की बात करें तो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में एक 670 प्रोसेसर मिलना है, इनके 6 सीरीज वाला प्रोसेसर मिलना बहुत ही गलत बात है। आगे बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। तो आपको इसमें फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ओलेड पैनल देखने को मिल जाता है और जो डिस्प्ले और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आपको देखने को मिल जाता है 75%, यानी कि ऊपर नीचे दाएं और बाएं चारों तरफ आपको भर भर के इसमें बेजल देखने को मिलेंगे। बॉक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ बेजल भर के इसमें दे दिया गया है। अब इसे कैमरे के बारे में बात कर लें तो आपको पीछे और आगे, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा दोनों ही सिंगल कैमरा देखने को मिल जाते हैं। जो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है वो 12.2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है और जो फ्रंट में आपको देखने को मिलता है वो आपको 8 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा इसकी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा है इसका, यानी कि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको इससे अच्छा कैमरा मिलना मुश्किल है। और इसके ऊपर भी अगर हम जाएं, यानी कि 60, 70 और 80,000 के प्राइस ब्रैकेट पे जाएं तो भी गूगल का ही कैमरा, यानी कि पिक्सल 3 और पिक्सल 3 XL इनका कैमरा बेस्ट होता है। तो कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको इसमें नाइट शॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको ये रात को दिन बना देता है। तो बहुत ही अच्छी फोटो आती है इसके कैमरे से, आप कैमरे की सैंपल देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, कैमरे में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो बैटरी आपको मिल जाती है 3000 mAh की बैटरी पिक्सल 3A में, और 3A XL में आपको 3700 mAh की बैटरी मिल जाती है और USB 3.1 के साथ आता है, टाइप सी पोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है और आपको इसमें फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको 9V 2A का चार्जर देखने को मिलेगा, 9×2 = 18, यानी कि 18W का चार्जर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो बैटरी की दिक्कत नहीं है, बैटरी कम है, 40,000 के हिसाब से अगर देखें तो कम है, लेकिन आपको इसमें फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। बॉडी जो है इसकी प्लास्टिक की है, प्योर प्लास्टिक है, इसमें कोई भी ग्लास या कोई दूसरा कोई मटेरियल नहीं आपको इसमें मिलता है, ना ही कोई एल्यूमिनियम टाइप कोई मटेरियल है, आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाती है इसमें। तो मैंने आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी है। तो अब ये देखिए आपको XL और जो 3XL और 3A में डिफरेंस क्या है, तो आपको 3700 mAh की बैटरी मिल जाती है XL में और 3A जो है उसमें आपको 3000 mAh की बैटरी मिलती है। प्राइस क्या है, 40,000 और 45,000 3A XL का, और थोड़ा बस दो ही डिफरेंस है 3A XL और 3A में, यानी कि आपको मिलती है 3700 mAh की बैटरी और 3000 mAh की बैटरी, और XL में आपको मिलती है 6 inches का डिस्प्ले और आपको 3A में मिलता है 5.6 inches का डिस्प्ले। सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिफरेंस है और आपको जो देना पड़ रहा है, प्राइस देना पड़ रहा है 5000 एक्स्ट्रा। इसमें आपको एक ही नैनो सिम का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो दूसरा सिम है आपको ई सिम डालना पड़ेगा, और जहां तक मुझे मालूम है इंडिया में अभी तक सिर्फ जो सर्विस ये तो दे रहा है ई सिम की वो एयरटेल ही दे रहा है। तो आपको अगर दूसरा सिम डालना है तो आपको ई सिम की तरफ जाना पड़ेगा। इसके अगर वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, मेमोरी कार्ड डालने का कोई ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है और आपको इसमें कोई और वेरिएंट नहीं मिलता है कि 6GB या फिर 128GB, ऐसा कोई ऑप्शन भी देखने को नहीं मिलता है। तो अगर अब बात करें इसकी बाकी चीज़ों के बारे में कि हाँ कि क्या कैसा रहेगा रिस्पॉन्स अगर इंडिया के ऑडियंस का, तो वो आप बताएंगे, आप कमेंट्स में बताएंगे कि आपको फ़ोन ये कैसा लग रहा है देखने में और बाकी चीज़ों में, स्पेसिफिकेशन में और इसके प्राइस को अगर कंसिडर करें तो क्या ये अच्छा है। मैं इसके कैमरे की तारीफ करूँगा, कैमरा बहुत बढ़िया है इस प्राइस ब्रैकेट में, इसके ऊपर के प्राइस ब्रैकेट की बात करूँ तो बेस्ट है, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 670 प्रोसेसर देना क्या सही है? क्या आपको इस प्राइस ब्रैकेट में एक प्रीमियम फोन नहीं मिलना चाहिए? इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी भी देखने को मिल जाती है और आपको इसमें 3000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो क्या ये सब स्पेसिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग सही है? तो अगर आपको सही लगती है तो मुझे बताइए, अगर आपको नहीं सही लगती तो भी बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइए अपने कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।